हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम के अंदर नो बूट डिवाइस फाउंड और प्रेस एनी की टू बूट द मशीन ऐसा करके एरर आ रहा है जब आप विंडोज स्टार्ट करते हो नॉर्मली, और यह शट डाउन करके आप जब ऑन करते हो तो आपको ये एरर आपके सामने दिखने लग जाता है। इस एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं और आपको ये एक एरर आ रहा है आपके मशीन के अंदर, तो आपको क्या करना है, कोई भी की प्रेस करना है एक बार और F2 प्रेस करना है। यहाँ पर F2, F2 प्रेस करने के बाद ये बायोस के अंदर चला जाएगा। यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करना है। जैसे कि हम लोग यहां पर बूट सीक्वेंस के अंदर आएंगे, बूट सीक्वेंस के अंदर आपको लेगेसी मोड ही इनेबल रखना है। ये अगर आपका UEFI ऑप्शन इनेबल्ड है तो आप इसको लेगेसी कर लीजिए। ओके, यहां पर आपको एडवांस बूट के ऑप्शन के अंदर जाना है और यहां पर डेट एंड टाइम ये आपको सेट करना है करंट टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये करंट टाइम के हिसाब से आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपको यहां पर साटा ऑपरेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर फ्रेंड्स, आपका जो ये साटा डिसेबल्ड है इसको आपको इनेबल करना है। ASHCI पर आपको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहां पर इसको यस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहां पर जो ये ऑप्शन है यहां पर आपको सिक्योर बूट के अंदर जाना है। सिक्योर बूट के अंदर जाने के बाद यहां पर इसको एक्सपेंड करना है आपको एक बार, सिक्योर बूट इनेबल पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपको ये डिसेबल्ड ही रखना है इधर। ओके, और यहां पर आपको नीचे की तरफ एक अप्लाई का बटन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे ये सेटिंग्स आपका डिसेबल ही रहेगा और आपका ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सेटिंग्स बताया है वो आपको याद रखना है। ओके, और कोई भी स्टेप मिस मत करना फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। यहां पर एग्जिट का बटन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। ये एग्जिट करने के बाद ये एक बार बूट हो जाएगा, यहां पर ये बूट हो रहा है। जो आपको एरर आ रहा था पहले वो अभी नहीं आ रहा है आपको, ये डेल लैपटॉप के अंदर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो एरर आ रहा था अभी वो नहीं आ रहा है और हमारा जो सिस्टम है उस पर हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। जो हमारा UI है ये आप देख पा रहे हो, ये यहां पर ओपन हो गया है। अभी हम लोग इसमें एंटर कर लेंगे। यहां पर आपको एक बार मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपको ये एरर आ रहा है वो कैसे फिक्स करना है और कैसे आपको स्टेप्स करने हैं बायोस के अंदर जाकर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।